एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित अकबंदपुर काफुरपुर गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के विकास के लिए ग्रामवासियों ने जयपाल सिंह को प्रधान के रूप में चुना है। लगभग 3300 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 62 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 15 किलोमीटर ही है। लगभग 1800 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 400 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 180 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 60 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 30 नल रिबोर कराए गए हैं। इसी के साथ बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 200 विद्युत पोल, 6 ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में 8 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, स्कूल में मरम्मत कार्य, पानी निकासी के लिए नाली व आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण भी कराया गया है। इसी के साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पंचायत घर, बारात घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, सीसी टाइल्स रोड व खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। बोलो। हाँ जी, मैं ग्राम प्रधान बोल रहा हूँ, अखंडपुर कापूरपुर ग्राम सभा। और मैंने जो काम करवाया है, 8 रास्ते बनवा दिए, शौचालय बनवा दिए, तो और हमारी बड़ी ग्राम सभा है और 3 गांव हैं। इतना यहाँ पैसा नहीं आ रहा, गरीब लोग ज़्यादा हैं और हमें नल पड़े हमारे 60 खराब, नल रिबोल होने चाहिए और हमें बारात घर, गरीब आदमी है, बारात घर मिलना चाहिए, पंचायत घर मिलना चाहिए और हमें आवास मिलने चाहिए। ज़्यादा गरीब लोगों की आबादी है और जितनी हमारी बड़ी ग्राम सभा इतने हमें कोई धन नहीं मिल रहा, तो हमें उससे ग्राम सभा की देखते हुए बड़ी इतनी हमें विकास के लिए धन ज़्यादा मिलना चाहिए जो हमारे यहाँ विकास हो जाए। और जो भी पैसा आया मैंने ईमानदारी से सब कामों में लगाया, सड़क बनवाई है सीसी रोड और शौचालय बनवाए, कोई मैंने गलत पैसा नहीं लगाया। ये देखिए हमारे ग्राम अखवंदपुर का अस्पताल है, देखिए इसमें चारों तरफ भूसा भरा हुआ है और अभी तक इसमें ना तो कोई डॉक्टर बैठा है और ना ही यहाँ पर कोई अधिकारी जाँच करने के लिए आया है। और हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा अस्वस्थ लोग रहते हैं और दूर दूर जाके दवाई लेके आ रहे हैं। हमने इसकी कई बार शिकायत की है पर अभी तक तो कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है और ना ही यहाँ पे कोई कार्य हुआ है, बस ये बना दिया है और यहाँ पे गाय, भैंस, घोड़े सभी कुछ बांधे जा रहे हैं। कई बार शिकायत की है। शिकायत आपने किन लोगों से की है? कई लोगों से की है, अधिकारियों से भी बोला था कि यहाँ पे इसकी जाँच की जाए कि ये क्यों नहीं बन रहा, आगे डॉक्टर क्यों नहीं बैठ रहे, पर वो कहते हैं हाँ देखते हैं पर कोई आया नहीं है अभी तक। जब से अस्पताल बनाया कोई डॉक्टर यहाँ पर नहीं बैठा? कोई नहीं बैठा, आप देख रहे हैं यहाँ पे बस भूसा है और उपले हैं और पशु आपको नहीं नजर आएंगे।